रिबू, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आइडिया था टीन इट अराउंड का, फिर बच्चन साहब इसमें इन्वॉल्व हुए, व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस थिंग? रिबू को माइक नहीं दिया, वाओ। कैन वी प्ले दिस एवी वन मोर? सर्टेनली, कैन वी प्ले द एवी वन मोर टाइम प्लीज? द सेम एवी, कैन वी रिपीट इट वन मोर टाइम? हाउ डिड दिस, टेल यू हाउ इट हैपेंड। रिलायंस एंड वी वर टुगेदर पुटिंग अप अ प्लान, एक प्रेजेंटेशन कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए, हाउ डू वी डू द एंटायर प्रमोशन ऑफ द फिल्म। तो वी मेड दिस 15-20 पेज पावर पॉइंट एंड वी मेट सर एट हिज ऑफिस एंड उनको दिखाया एंड आई थिंक ही लाइक्ड इट, बट ही सेड दैट यू नो व्हाई डोंट वी ट्राई समथिंग डिफरेंट विद दिस फिल्म एंड लेट्स नॉट यूज द यूजुअल वे ऑफ प्रमोटिंग अ फिल्म, कुछ और कर सकते हैं क्या? एंड यू नो हमने अपने डिफेंड में बोला कि सर ऐसा करना चाहिए बिकॉज थ्रू दिस यू कैन एक्चुअली रीच ऑडियंस, ब्ला 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 ऑल दैट, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन सर वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड एंड द फर्स्ट लाइन व्हिच ही सेड एंड वी वर ऑल ज़ैप्ड, ही सेड यू नो व्हाई डोंट वी एक्चुअली टेल द ऑडियंस टू प्रमोट द फिल्म एंड वी वर लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लाइक हाउ? एंड ही सेड यू नो लेट्स गिव मटीरियल आउट, लेट्स गिव यू नो उनको पोस्टर बनाने बोलते, गाने का रिमिक्स करने बोलते, यू नो ऑल दैट। And that's how it started. And sir, I think. Mr. Bachchan, if you could elaborate. Is it on? Check one. Okay. जैसा कि रिबू ने बताया, अभी ऐसे ही एक मुलाकात हुई और प्रमोशनल के जितने भी दिग्गज थे वो हमारे सामने आकर के बैठे और उन्होंने बताया कि कितना ही 15-20 पन्ने का एक पावर पॉइंट तैयार किया था। ये हम सब लोग आम जब भी कोई फिल्म रिलीज पे होती है तो देखते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं वो अलग अलग शहरों में जाते हैं, प्रमोट करते हैं, मीडिया से मिलते हैं, वहाँ पर अलग अलग टीवी शोज़ में जाते हैं और फिल्म को प्रमोट करते हैं। मुझे लगा कि हमारी ये जो फिल्म है इसमें उस रग के कलाकार नहीं हैं जो उन फिल्मों में होते हैं जो अलग अलग जगह जाते हैं, वो सब बड़े कलाकार हैं और उनको वहाँ जाना भी चाहिए क्योंकि उनको उनकी फिल्मों में बहुत ज़्यादा धनराशि लगाई जाती है और उसका कलेक्शन उनको करना होता है। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हमारी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विद्या एंड टू नवाज, मुझे लगा कि हमारी जो स्टैंडिंग है वो इतनी बड़ी नहीं है और खामखा इतना पैसा क्यों खर्च करना मार्केटिंग के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर, हम कुछ अलग या छोटा कर सकें लेकिन उतना ही प्रभाव तो क्यों ना इसका एक हम कोशिश करें। तो वहीं से ये कोशिश शुरू हुई और हमने कहा कि देखिए हम सब यहाँ अगर आपके सामने बैठे हैं तो आप लोगों की वजह से बैठे हैं, जनता जो है वो जनार्दन होती है, वही हमें बनाती है, वही हमें बिगाड़ती है और वही हमें धिक्कारती भी है। तो मुझे लगा कि क्यों ना जनता से पूछा जाए कि यदि इस तरह का अगर पदार्थ है उनके पास तो इसे किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। और जो परिणाम आया है वो अभी आपने सामने देखा है और कुछ लोगों को हम आज यहाँ सम्मानित भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि आप आज यहाँ आए हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। धीरे धीरे आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, यही इसके पीछे कहानी थी जी। और पता नहीं ये कितना प्रभावित होगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से एक ये पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के भी इसी तरह की पहल और भी जगह होंगी। थैंक यू बच्चन सर। मिस बालन, मिस विद्या बालन, विद्या आपने भी डिजाइन किया था एक पोस्टर इस पूरे कैंपेन के लिए, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, पर दे प्रॉमिस की मी की यहाँ नहीं दिखाएंगे। कहाँ गया वो पोस्टर? नहीं मैं सच बताऊं, मैंने सर के साथ बहुत काम किया है पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे ऑटोग्राफ मांगने की जो मैं बचपन से चाहती थी। तो मैंने कहा मैं पोस्टर डिजाइन कर लेती हूँ, अगर किसी तरह जीत गई तो ऑटोग्राफ के साथ मुझे एक पोस्टर मिलेगा। दैट वाज अ रीजनिंग बिहाइंड डिजाइनिंग द पोस्टर। पर Shuja and Ribhu have really promised me they're not going to show it here. So thankfully. We're going to try and unearth it somehow. We're going to try and find it. But do you think इतने सारे जो अभी आपने पोस्टर्स देखे हमारे विनर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके मुकाबले में आपका पोस्टर किधर था विद्या?
मेरा पोस्टर अलग है, मुकाबला अलग है. नहीं, तुलना कर ही नहीं सकते, बिकॉज आई वॉज अमेज्ड बाय द काइंड ऑफ आइडियाज पीपल हैड. और जिस तरह के पोस्टर्स देखने को मिले, रियलाइज हुआ कि लोग इतने क्रिएटिव हैं, अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए उन्हें तो वो क्या कुछ कर जाते हैं. सो थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर्स एंड फॉर ओपनिंग आवर माइंड्स. आई थिंक हम लोग भी you know, एक तरीके से चीजें करने लगते हैं, और फिर व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस इट जस्ट you know, it gets the creative juices flowing even for us. So it's been a fabulous idea, and I'm glad I got to be a part of it in some way. Yeah, also, मैं इसका श्रेय दरअसल देना चाहूँगा हमारे सोशल मीडिया पे जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जी, उनको दूंगा. क्योंकि जब भी हमारी शूटिंग होती थी तो शाम तक मैं जितनी भी पिक्चर्स होती थी वो अपने ब्लॉग में या ट्विटर पे या फेसबुक पे डाल देता था. और जब उनको पता चला कि ये फिल्म बन रही है और 10 जून को रिलीज होने वाली है, तो अपने आप ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिए पोस्टर. और बहुत सारा काम ये लोग अपने आप करते हैं. तो जितने भी मेरे ब्लॉग से हैं उन सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का प्रोत्साहन रहा है जिसने मेरी सोच को बदला है. और ये लोग बहुत अपनी तरफ से भी काम करते रहते हैं. पता नहीं कुछ लोग यहाँ पर हैं कि नहीं ब्लॉग से, या तो ये लोग सब जहाँ जहाँ भी स्थित हैं, आपने देखा अलग अलग देश से लोग हैं, वो सब मेरे ब्लॉग के EF, उनको मैं कहता हूँ एक्सटेंडेड फैमिली, वो सब बनाते रहते हैं और भेजते रहते हैं. अपने आप प्रचार करते हैं, कोई भी हमारी फिल्म अगर आती है टी शर्ट्स बनाते हैं, अलग अलग मॉल्स में जाकर के पोस्टर लगा देते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ जहाँ भारतीय वहाँ निवास करते हैं, या दुकानें जहाँ होती हैं जहाँ पर भारतीय जाते हैं वहाँ जाकर के पोस्टर लगा देते हैं. तो उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. They're all sitting right here. A huge round of applause for all our participants. Global Touch is got 3.9 million people. It reached 3.9 million people, not just from all over the country, from all participants. Either Egypt, Malaysia, Algeria, Israel, Turkey, USA. The producer of the film, Mr. Shujoy, how does that make you feel? That your movie, dunia ke kone kone mein, not just pahunchi hai, log participate kar rahe hain teen mein. You know, this is extremely encouraging, but can I just say one thing? You're very kindly calling me the producer of the film, but I'm not really the producer of the film. There are many other people out here, you know, like Sameer, Suresh, Gulab, Deepak. There's a lot of effort that has gone into producing this film. I'm just one of them. I'm just basking in the glory of the effort that they have put in. Yes, you know, it's an incredible, and I think all thanks to Sir and Vidya and Sir's extended family who have incredibly contributed. Campaign, you know, which is the brainchild of Sir, and I'm amazed. I saw all those posters outside, and, yeah. and even we didn't think of such creative art. You know, I remember seeing one poster, which just had a cassette in it. You know, it's incredible. So yes, yeah, I think what should I say? I'll take it forward from there. Hmm. The idea what Sir had, you know, your own idea tha, and not only I think it was innovative as a promotion plan. आई थिंक बिकॉज जी बाहर जो जितने पोस्टर्स लगे हैं, या किसी ने पोएम भेजा है, किसी ने और भी कुछ भेजा है, यू एक्चुअली सी द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव इन द कंट्री. एंड हम अभी कुछ पोस्टर्स देखे है, यू नो वी शुड एक्चुअली कॉल देम लाइक ऑल मोस्ट ऑफ देम आर हियर, एंड यू नो व्हाई नॉट ट्राई टू डू अ फिल्म विद देम. यू नो इट वाज आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल. एंड ये जो सर का जो आइडिया है, आई थिंक नॉट ओनली प्रमोशन, देन आई थिंक ये जो टैलेंट हमारे सामने आया है, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल. एंड आई थिंक इफ रिलायंस यू नो द सपोर्ट, एंड यू नो ऐसा कुछ छोटा फिल्म है या कुछ है, यू नो दे कैन डू इट विद देम, इट विल बी आई थिंक इट विल बी यू नो ग्रेट. आई नो द बेस्ट थिंग इज नन ऑफ देम हैव सीन द फिल्म. Yeah. If you see the poster, they actually yeah. reflect the sentiment of the film, yeah. which is incredible, I think. You know, it's to assess and bring out that just by seeing the trailer is, you know, a big hand to yeah. you. Yeah, absolutely. Incredibly talented. We would also like to acknowledge the brilliant efforts of Talent House India in pulling the campaign through for us. Okay, thank you. Thank you very much. A
lot of people like we were talking about, जैसे कि हमने AV में भी देखा, दुनिया भर से कई सारे लोगों ने हमको entries भेजी और कई सारे लोगों ने इसमें भाग लिया, participate किया. और हमारे पास इस वक्त एक video है from one of our participants. Her inspiration to learn acting, and she's right now studying acting in Los Angeles. She has been extremely well received there. She's done extremely well in her studies. Now she's getting offers. She's got an agent who looks out for her. I really want to compliment her. Other students who were from different parts of the world, and when they saw the trailer, and when they don't understand the language, and I don't think that we had subtitled the trailer, but they were able to gauge, and then they sent an earlier video to me of what they thought about it. And it's amazing to get an impression from people who are professionally training to become actors, and to see their point of view, because I'm sure that they look at a product differently. And perhaps their impressions, and particularly from people who do not understand the language, was very impressive. So she is from there, and she just sent me this, and I sent it across to Reliance and asked them to use this as a wonderful example of the creativity. Kitne honhar log hai ye, kahan se sochte hain, kaise sochte hain. Aur हम लोग कभी कभी ऐसे बैठ के सोचते हैं कि हमने जो बनाया है, हमने जो किया है, वही उत्तम है. लेकिन ऐसा है नहीं. हमारी जनता में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके आपने रूप अभी देखा. एंड दिस इज समबडी हु वाज अ पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली ऑनलाइन. या शी स्टिल इज. एंड शी रीच्ड. आई टॉक टू ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट एवरी डे. दैट्स अमेजिंग. यू नो, सो पीपल फ्रॉम द ईएफ विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. I'm pretty sure हमारी ऑडियंस में भी इस वक्त कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे बच्चन साहब की बात हुई होगी ऑनलाइन. मोस्ट सर्टेनली दैट जेंटलमैन डेफिनेटली इज द मोस्ट एक्साइटेड जेंटलमैन इन द ग्रीन शर्ट ओवर देयर. ही डेफिनेटली अग्रीज विद व्हाट आई हैव टू से. ऑलराइट, सो आई थिंक विदाउट फर्दर अडू वी शुड स्टार्ट कॉलिंग अप आवर विनर्स फॉर द टीन इट अराउंड कॉन्टेस्ट. आर वी रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? आर वी रेडी टू प्रेजेंट द विनर्स टू एवरीवन? ऑलराइट, सबसे पहले thank you.
He was born the year Zanjeer was released. And he's been a fan since then. Thank you so much. Thank you. Thank you. Any words, Bachchan sir, before we move on to our next portion of the today? You know, it's just that it's amazing, as I said earlier, that we tend to consider ourselves to be the brains, the brilliance in everything that we do creatively. But we forget that there are millions of people out here who are not just equally creative, but much better than us. And we acknowledge them and we thank them. And this is, I just feel very happy that we were able to take this initiative and allow people to express themselves, because they are the ones that expect us to, and they come and appreciate it, they criticize it, we acknowledge their criticism and their praise, but I'm just very, very happy and so impressed by the work that they have put up, really. Thank you so much again. Thank you. Vidya, your reactions on all the posters that we've seen so far and everyone who's come up on stage to receive their awards today. Absolutely fabulous, to say the least. Like sir said, you know, it's unbelievable that such varied ideas have come from people. So there are no two posters. It amazes me the most, and congratulations to all those who participated and all those who won. Thank you. We have another fan submission all the way from, again, United States of America. It's amazing where all this movie is reaching and where all people are participating. So we have another audio visual that we would like to play here for everyone. कविता भेजी गई मेरे ब्लॉग पे ही, और मैं मुझे बहुत सुंदर लगी है. मैंने सोचा कि ये मैं जितने भी मार्केटिंग टीम है उनके दूँ. इसके रचयिता हैं विकास बंसल. इंसान की जरूरतें तीन, इंसान की जरूरतें तीन, रोटी कपड़ा और मकान. इंसान की फितरतें तीन, शांत अशांत और मुस्कान. इंसान की अवस्थाएं तीन, बचपन जवानी बुढ़ापा. इंसान के भगवान तीन, विष्णु ब्रह्मा और महेश. इंसान के लिए शक्ति तीन, लक्ष्मी काली और सरस्वती. इंसान की अभिलाषाएं तीन, सुख समृद्धि और शांति. इंसान की चिंताएं तीन, भूत वर्तमान और भविष्य. इंसान की मांग तीन, जल वायु और अग्नि. तीन के आसपास जिंदगी घूम रही है. क्या हुआ था 8 साल पहले, तीन से पूछ रही है. क्या हुई थी गलती उससे, किसी को पता नहीं. उम्र दराज है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें क्षमता नहीं. वो जब मिलेंगे 1, 2 और 3 तो क्या गजब होगा सीन. देखने को सब हैं बेकरार, बस अब तो 10 जून का है इंतजार. शुभकामनाएं तीन के लिए. 1, 2
लोग सब इसको पीछे करें। बहुत सारी मजबूरियां थी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर फिजूल खर्चा हो, क्योंकि ये फिर फिल्म पे एक दबाव होता है, बर्डन बनता है, और अंत में जो जो लोग ने पैसा लगाया हुआ है इसमें उनको तकलीफ होती है। क्या ऐसा करें जिससे कि हमको इतना सब खर्चा ना करना पड़े और फिर भी फिल्म का प्रमोशन हो। अगर इसका परिणाम क्या होता है ये हमें फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये जो हमारा तरीका था ये सही था, गलत था, कुछ कमियां थी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अपने आप को उस वर्ग में डाल रहा हूँ, हालांकि मुझे विद्या को उसमें उसके साथ नहीं करना चाहिए या नवाज को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम जिस वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस तरह का प्रमोशन सही है और इतना तक हमें करना चाहिए, लोग जितना बड़ा बड़ा प्रमोशन होता है वो कर सकें। जो लोग जाते हैं टीवी शोज के ऊपर उनको उनकी मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं और लोग जब वो टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं तो अपने चहेते कलाकारों को उसमें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लगाव होता है। मुझे नहीं लगा था कि अगर हम किसी टीवी शो में जाएंगे तो हम तीन को लेकर के बात क्या करेंगे, हमारे पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि जो कुछ कहना है वो तो आप फिल्म देखने के बाद ही कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक छोटी सी पहल हमने की है इसको लोग सराहना इसकी सराहना करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। सर एक सवाल और है कि बॉक्सिंग लेजेंड जो है मोहम्मद, जी जी बड़ा दुख हुआ, मुलाकात उनसे हो चुकी है 1979 में लॉस एंजेलिस में, जी जी यादें आप क्या कहना चाहेंगे? ये 1979 में मैं उनके घर गया था बेवरली हिल्स लॉस एंजेलिस में, और बहुत ही हसमुख, बहुत ही साधारण, बहुत ही धरती पर चलने वाले इंसान, हालांकि उनकी जितनी उपलब्धियां हैं वो तो सब लोग जानते हैं। प्रकाश मेहरा जी उस समय एक फिल्म बनाना चाह रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि वो काम करें मेरे साथ, और उसकी बातचीत करने गए थे। वो फिल्म तो नहीं बनी और ना ही उसके आगे चर्चा हुई, लेकिन वो जो क्षण थे उनके साथ वो बहुत ही यादगार रहे और बड़ा दुख हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड ही विल ऑलवेज रिमेन द ग्रेटेस्ट। क्या उनका जीवन था, किन समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ा, सबके साथ न केवल वो रिंग में लड़ते रहे बल्कि रिंग के बाहर भी वो लड़ते रहे और अंत में उनको सफलता प्राप्त हुई। बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने की अपने जीवन में जो कि एक तरह से बड़ी यूनिक थी। जब रेशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ तो उन्होंने अपना गोल्ड मेडल फेंक दिया पानी में, वहाँ जो नदी थी वहाँ पानी में फेंक दिया, उसके खिलाफ लड़े वो। बहुत सी ऐसी बातें कही उन्होंने अपनी किताब में, अगर आप उनको पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो न केवल वो एक स्पोर्ट्समैन थे बल्कि बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही अपने जीवन में जो कि आज भी उनका हम सुनते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं और आज भी लागू हैं। बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है उनको ऐसा देखे, बहुत कम उम्र है उनकी 74 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना। I think it's very difficult to quantify the impact of any promotional activity, but obviously marketeers are doing and it's been effective. But finally, I think it's a film that speaks for itself on that Friday. So we are hoping that this film speaks to you, you know, you're gripped by it, it touches a chord, and you know, people just go to the theaters in large numbers. But it's very difficult to really say this is why the film worked
और यू नो दीज थिंग्स विल इंश्योर दिस फॉर्मूला विल इंश्योर दैट द फिल्म वर्क्स. That's very, very difficult yeah, to say. I just want to add to that, ma'am. I feel that the attention span of the audiences today is very limited, very short, very quick, very fast. Had we started this 3 months ago, I'm pretty certain that they would have said, oh gosh, not again. Bore ho gaye isko dekhte dekhte. Kuch aur naya karo. I just feel that perhaps because the attention span is so small, let's keep the period of attention also small. So therefore, 4 or 5 days or the last 10 days, we've been trying to concentrate on it. Because there's so much happening today in the entertainment field that it's very difficult to attract somebody and keep that attraction on for so many months. I continue reiterating this point. The bigger stars have the capacity to keep attention of the audience for 3 months, and therefore it is valid that they do the kind of promotion that they do. But for something like us and for this film, I just felt that maybe a shorter span would be better. Vibhu, Friday jitters are must. I mean, so how much Friday jitters what? Are you going through? Friday jitters. How much Friday jitters are you having at the moment? The film is done, the print is ready, so there is no point talking about it. But of course, yeah, there is anxiety and there is expectation. Let's see. Let the Friday will decide, like Vidya said. Let's see. अभी मैं रंजन जो आपने देखा फैंटम से है उनसे ही बात कर रहा था. नवाज एक्चुअली कुछ एक फिल्म का शूट में ना उसका ही इज रियली टाइड अप सम शेड्यूल हैज गॉन हेवायर. तो यस्टरडे आल्सो ही वाज प्रमोटिंग हिज ओल्ड फिल्म, वहां पे वो ठीक से पहुंच नहीं पाए. आई थिंक 10-15 मिनट्स के लिए वो आया था. तो आई थिंक ही इज रियली apologetic about it that he is not being part of our active events. So there is that family thing, right? Correct sir. Also his brother got married recently and usne kaha ki yaar 3 baar uska shaadi push kar diya, is baar push karunga to hoga hi nahi, to mujhe jana chahiye. So I think yeah. Yeah, and the unfortunate part is I didn't get to wear the uniform. So Ribhu will, I think, have to make a sequel or something. So I get to wear the uniform. I like the power that cops wield. I think I've used it in the right way. No, I've been waiting to unleash this power onto people by playing a cop. I finally got it. I just didn't get to hold someone by the scruff of their neck and say, you know, do char gal. Kuch nahi. Bahut soch samajh karke boliyega. I enjoyed it. I hope that answers your question. Right. Do we have more questions? Do we have a mic going around? Ji. क्या? Public reward is reward or award? Public reward. किसी भी दिन. आपका reward होगा तो वो जा करके award बनता है. All right, so thank you so much, ladies and gentlemen, for being here today, for your time. Thank you so much. There's one person. We have one more question, one last question from that gentleman there. Sir, could you please? Yeah. Vidya ma'am, aapse ek question hai. Ji. Ma'am, aapke liye Kolkata aapka second home hai. Haan, bilkul. But ma'am, experience share karenge is baat mein. Aur aapki aa jayegi film kahani 2 pe. Kahani 2 pe baad mein baat hogi, par haan? Experience share karenge, jaise aap kehti ki Bengali hai nahi. Hum kehte hain मैं हूँ, मैं मन से बंगाली हूँ. मैं सबसे यही कहती हूँ, मुझे कोलकाता में रहना, शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. बट इस फिल्म में 3 में बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा. एक्चुअली मैं सबसे कहती थी कि कोलकाता तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ से मैं वाकिफ हूँ. पर फिर 3 के वक्त रिभु हमें बहुत अलग अलग लोकेशंस में ले गए और मुझे ताज्जुब हुआ कि अच्छा ऐसी भी जगह है जहां मैं नहीं गई हूं.
तो आई थिंक यू विल गेट टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोलकाता. ट्रेलर देख के आपको वो अंदाजा लग गया होगा. और क्या कहूँ, आप मुझे अभी किसी वजह से कोलकाता भेज दे तो मैं जाने को तैयार हूँ. थैंक यू. मन भर के देखेगा कोलकाता. 10 जून को मूवी रिलीज होने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू ऑल. थैंक यू शुजॉय. थैंक यू.